सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मोटरबुल का एक और वीडियो। तो भाई आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे जो मेरी एक कार दिख रही है, ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए भाई और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें भाई, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने भाई अपनी कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेकर के आ रहा हूँ। ये जो आप लोगों को भाई मेरे बैक में गाड़ी खड़ी दिख रही है, ये है भाई मेरी न्यू बलिनो जेटा, जो आप लोगों को मैं पहले भी इसकी वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, और जो भी भाई इसकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस कार से रिलेटेड, जो भी भाई आप लोगों के फैक्ट हैं और कुछ अदर ब्रांड की कारें या कोई भी आप लोगों की जो फेवरेट कार है या आप प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर में किसी गाड़ी को लेने के लिए, उस गाड़ी की वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं भाई इसी चैनल पे। तो भाई सबसे पहले जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नो डाउट मैं प्रॉमिस करता हूं भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जिस भी गाड़ी की बात करोगे मैं उस कार से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने जरूर लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली भाई अपनी बलिनो जेटा की, स्मार्ट की से रिलेटेड भाई। स्मार्ट की इस कार में मारुति आप लोगों को प्रोवाइड करती है, एंड यही स्मार्ट की भाई आप लोगों को कुछ स्मार्ट फीचर देती है, हिडन फीचर जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे। भाई मुझे पता है चैनल पे बहुत सी वीडियोस आप लोग देखते होंगे भाई, लेकिन जो आप लोग एक तरीके से कह सकते हो ना मोटर बुल वाले अंदाज में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या इसमें भाई आप लोगों के फीचर्स रहने वाले हैं, क्या हिडन फीचर और क्या अमेजिंग फीचर आप लोगों को एक की प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई, इस की में आप लोगों को दो स्विचेस देखने को मिलते हैं जो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड रहते हैं भाई। ये मैंने इस कार इस की पे एक तरीके से कहते हैं ना कि कवर लगाया हुआ है, और लेकिन भाई जो स्टॉक की आती है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को नेक्सा प्रोवाइड करती है या मारुति प्रोवाइड करती है, तो इस तरीके से की दिखती है, जो ऑलवेज आप लोगों को ना एक तरीके से मतलब मैं कहूँगा कि एक जैसे आप लोगों को नेक्सा कहती है कि मेरी कार है प्रीमियम है, वैसे आप लोगों को ये प्रीमियम की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी ओके है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बाकी भाई ठीक है, की देखने में बहुत अच्छी है, छोटी है। तो भाई इसमें ना दो बटन आप लोगों को देखने के मिलते हैं जो अगेन लॉक एंड अनलॉक आप लोगों को शो हो रहे होंगे। जब भी आप लॉक का स्विच दबाते हो तो आप लोगों को कार आपकी लॉक होती हुई नज़र आती है, एंड जब आप एक बार अनलॉक दबाते हो तो दो बार आप लोगों को साउंड आएगी और आपकी कार हो जाएगी भाई अनलॉक। देन मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी आप कार में बैठने की सोचते हो तो ये आप लोगों की गाड़ी अभी लॉक है, तब आप क्या करते हो भाई उस टाइम पे आप लोग एक बार दूर से अपनी कार का रिमोट अनलॉक वाला स्विच दबाते हो, देन आप लोगों का ड्राइवर साइड ऑन हो जाता है भाई, और इस तरीके से आप गाड़ी में एंटर करते हो और आप गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हो। लेकिन भाई अगर आप लोगों को पैसेंजर भी गाड़ी में बिठाने तो वन टाइम आप लोगों की कार अनलॉक नहीं हो पाती, यानी कि आप लोगों का ड्राइवर साइड आपका एक बार प्रेस करने पे ऑन हो जाता है, लेकिन अगर आप को ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड की बात करते हैं तो वो भाई आप लोगों को सेकंड टाइम अनलॉक का बटन दबाने पे ही आप लोगों के पैसेंजर साइड खुल पाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये है भाई कुछ बेसिक जो आप लोगों का रिमोट वर्क करता है, इस वर्किंग के लिए तो आपको नेक्सा रिमोट देती ही है। लेकिन भाई मैं अगेन एक और फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा भाई, आप लोगों की ये की इसके साथ भाई एक फिजिकल की भी आप लोगों को नेक्सा प्रोवाइड करती है, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को विजिबल अगर हो पा रहा होगा तो यहाँ पे एक इन्होंने बटन दिया, अगर इसे भाई अपनी ओर खींचते हैं तो ये फिजिकल की भाई इससे बाहर निकलती है, जो कि जिसका कि मतलब मैं एक तरीके से बताऊँगा नॉर्मली कोई वर्क तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी आपके रिमोट की भाई बैटरी ख़त्म हो जाती है, देन आप क्या कर सकते हो, या आप लोग कभी क्या होता है ना भाई कि आप एग्ज़ाम देने गए या कुछ टेम्पल्स होते हैं वहाँ भाई आप लोगों का इस तरीके का जो सेंसर की होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, या आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों की इस तरीके की भाई अलाउड नहीं होती है। मैं भी गया था भाई तो ये की वहाँ पे अलाउड नहीं थी, तो आप क्या करते हो फिजिकल की जब आप इससे बाहर निकालते हो तो आप अपनी गाड़ी के गेट की तरफ आते हो, यहाँ पर आप लोगों को भाई एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है जहाँ पर आप लोगों की इंसर्ट होती है, पर्टिकुलर प्लेस में आप क्या करते हो यहाँ पर भाई अपनी फिजिकल की को अंदर डालते हो, एंड उसके बाद भाई अपनी गाड़ी को करते हो भाई आप अनलॉक, एंड उसके बाद आप लोग भाई अपना डोर खोल लेते हो, देन आप लोगों का डोर भाई खुल जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों का डोर खुल जाता है और उसके बाद भाई आप लोग अपनी कार में जा सकते हो, और जो ये आप लोगों की रिमोट है भाई आप लोगों का, इसे आप अगेन अपनी गाड़ी में ही छोड़ सकते हो भाई, जैसे कि मैंने छोड़ दिया है इस तरीके से भाई गाड़ी में छोड़ सकते हो, यहाँ से भाई आप लोग अपनी कार को कर सकते हो भाई लॉक। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी गाड़ी लॉक। तो एक फीचर आप लोगों का जो इंटरेस्टिंग फीचर है जब आपके काम आने वाला है वो आप जरूर देखिएगा। एंड अब बात करते हैं भाई गाड़ी में, अब दोबारा मैं आप लोगों को एक और बार बता रहा हूँ, आप लोग फिजिकल की को यूज़ करोगे, आप लोग इंसर्ट करोगे की को अपनी, एंड उसको जो है आप लेफ्ट साइड
घुमा के अपने डोर्स को ऑन कर दोगे तो आप लोगों का गेट हो जाएगा भाई ऑन। तो भाई ये रहने वाला आप लोगों का एक फीचर। भाई मैं सेकंड फीचर की बात करूँ, जब भी आप अपने घर से भाई चुपचाप पार्टी के लिए जाते हो या वॉइस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी आप अपने घर से निकलते हो और आप घर वालों को नहीं बताना चाहते हो कि भाई मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ और आप अपने गैराज से कार निकालते हो, उस टाइम पे भाई मैं ना एक चीज़ बताऊँगा, जब भी आप इसका अनलॉक का बटन प्रेस करोगे तो ये गाड़ी साउंड करेगी, ठीक है, और आसपास के जितने भी लोग होंगे उठेंगे भाई और आप लोगों को देखेंगे, आप लोग कहीं जा रहे हो आप पता लग जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो भाई आप लोग क्या करोगे, बेसिकली आप लोगों को किसी को बताना नहीं कि मैं गाड़ी में एंट्री ले रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला क्या आप क्या रूल्स आप लोगों के लिए रहेगा, वो रहेगा भाई सबसे पहले आप लोगों ने कार के लॉक एंड अनलॉक जो स्विच होते हैं उनको एक साथ प्रेस करना है एंड देन आप लोगों को उसके बाद अनलॉक वाला स्विच ऑन करना है। तो भाई आप लोगों को इस तरीके से देखेगा, गाड़ी का डोर हो गया भाई अनलॉक और आपकी कार अनलॉक हो चुकी है लेकिन विदाउट साउंड आप लोगों की कार अनलॉक हुई, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फीचर है और काम का फीचर रहने वाला है। अब बढ़ते हैं तीसरे फीचर्स की ओर। सो नेक्स्ट फीचर जो आप लोगों का रहने वाला है भाई, वो रहने वाला है, आजकल आप लोगों को पता है दिल्ली NCR में तो ज़्यादा भाई चोरी के जो केसेस है वो ज़्यादा आ रहे हैं, कार चोरी करके ले जाते हैं, तो भाई इसमें भी ना आप लोगों का चोरी हो सकती है भाई कार। तो कैसे हो सकती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चोर जब भी आपकी गाड़ी चोरी करेगा तो भाई उनके पास क्या होता है ना भाई कि उनके पास तो भाई की होती है भाई, ठीक है, वो तो कहीं से भी बनवा लेते हैं क्योंकि उनके लिए तो की भाई बनी बनाई रहती है और वो चोर ही होते हैं भाई तो अरेंज कर लेते हैं, तो वो की लेकर के आते हैं, सपोज उनके पास रिमोट नहीं है अपना की लेकर के आए और उन्होंने इस तरीके से आप लोगों की कार में की इंसर्ट करी एंड आप लोगों का डोर कर दिया भाई उन्होंने अनलॉक एंड देन उसके बाद आप लोगों की गाड़ी के अंदर जैसे ही वो एंट्री करते हैं ना भाई इस तरीके से, अब वो गाड़ी के अंदर चले गए भाई, ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, पहले ये कार कोई रिएक्शन नहीं देगी लेकिन रिएक्शन कब देगी वो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा। सो भाई अब चोर क्या करेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर बैठ गया है, ठीक है भाई, ऐसे चोर आपकी गाड़ी के अंदर बैठ चुका है, अब वो क्या कि भाई वो बैठेगा, ये गाड़ी भाई ऑटोमेटिकली ना भाई अपने हिसाब से, जैसे गाड़ी है ना आपकी लॉक है, अब उसने चोरी करने के बारे में सोच लिया भाई, तो ये कार आपको कुछ टाइम के बाद भाई आप लोगों का जो है ना एक तरीके से टूं टूं करना स्टार्ट कर देगी भाई कार आपकी, ठीक है भाई, ये ऐसे भाई आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से भाई आप लोगों को आवाज़ देना स्टार्ट कर देगी, और भाई चोर का पता वो ना भाई जैसे रिलैक्सिंग मूड में बैठेगा थोड़ी देर बाद ये गाड़ी जब तक वो अपना जो है बैठेगा स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, कार अपना जो है ये साउंड करती चली जाएगी भाई, ठीक है भाई इस तरीके से भाई, राइट। तो ये है भाई आप लोगों का एक और सेफ्टी फीचर, ये आप लोगों का एक और सेफ्टी फीचर है कि अगर भाई आप लोगों की इस कार की भाई बैटरी हो जाती है भाई डाउन, इसमें ना भाई सेल पड़ते हैं लिटरली, ठीक है, तो सेल अगर आप लोगों के इसके हो जाते हैं भाई डाउन तो आपकी गाड़ी होगी कैसे स्टार्ट, क्योंकि इसमें तो आता है भाई आप लोगों का पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो आप लोगों क्योंकि अगर फिजिकली की होती यहां से तो आप लोग यहां से डाल लेते अपने स्टेयरिंग में और आप लोग अपनी गाड़ी को कर लेते स्टार्ट, तो भाई इसके हो जाते हैं भाई कभी कभी सेल डाउन, ठीक है भाई, इसमें आप लोगों के जो है सेल पड़ते हैं तो डाउन हो जाते हैं, तो आप लोग कैसे अपनी गाड़ी के मतलब स्टार्ट करोगे भाई, आप कार को कैसे स्टार्ट करोगे, तो रहने वाला कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भाई आप लोगों को पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या करोगे अपने इस रिमोट को भाई सीधे लेकर के जाओगे, अपना जो ये आप लोगों का रिमोट है इसको आप सीधे भाई अपना इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे भाई जो आप लोगों का इग्निशन वाला जो है ना भाई यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन का इसके पास लेके जाओगे, यहाँ से की से ही आप लोग इसे दबाओगे एंड प्रेस करोगे तो भाई कुछ इस तरीके से आप लोगों की गाड़ी हो जाएगी भाई, ये आप लोगों का है भाई, ये आप लोगों की गाड़ी ऑन हो गई और ये आप लोगों की गाड़ी हो गई भाई स्टार्ट, तो ऐसे आप लोग अपनी कार को स्टार्ट करोगे भाई, ये भी एक अगेन बहुत अच्छा फीचर है भाई इस कार से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भाई इस गाड़ी से इसकी से रिलेटेड है भाई, ये कार जब भी आप लोगों की ये चाबी जब भी आप लोगों के कार में होती है ना तो आप लोगों की कार स्टार्ट होती है, लेकिन अगर ये कोई आप लोगों के कार में बच्चा बैठा है अगर उसने गाड़ी से बाहर आप लोगों की की फेंक दी ना भाई तो भाई आप लोगों की कार कुछ टाइम तक स्टार्ट रहेगी, जब तक आप लोग स्टार्ट कार है तब तक आप लोगों की कार चलेगी भाई, रेगुलर चलेगी, राइट, लेकिन जैसे ही भाई आपने इग्निशन कर दिया भाई इस तरीके, मान लो अभी आप लोगों का क्या हो गया इग्निशन होने आपकी आप ड्राइव कर रहे हो राइट, तो ड्राइव करते हुए आपकी गाड़ी जब तक ड्राइव होती रहेगी स्टार्ट है इंजन तब तक चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप लोग इसका इंजन कर दोगे भाई ऑफ, उसके बाद भाई आप लोग जब भी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आप लोग क्लच प्रेस किया और यहाँ पे आपने तो आपकी कार अभी तो स्टार्ट होगी क्योंकि की मेरे पास है, लेकिन भाई आप लोगों की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी उस पोजीशन में, तो भाई इसका ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी में बैठे तो ऐसी जगह अपनी की को रख दें भाई। मैं आप लोगों को अगर एक सजेशन दूंगा तो इसमें ग्लव बॉक्स आता है भाई इस तरफ, आप लोग अपनी गाड़ी के ना भाई यहाँ पे ग्लव बॉक्स नहीं भाई ये आप लोगों का जो आर्मरेस्ट आता है
एंड नेक्स्ट फीचर जो आप लोगों को इस की से रिलेटेड आप लोगों के पर रहने वाला है भाई, वो रहने वाला है भाई एक इम्पॉर्टेंट फीचर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा भाई इस तरफ। तो इस तरफ आप लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा, थोड़ा सा ना भाई नाइट हो गई है तो वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था शूट करना, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से पॉइंट आप लोगों को। ये भाई हेडलाइट से रिलेटेड पॉइंट है जो आप लोगों को आगे अगेन दिख रहा होगा भाई। ये हेडलाइट आप लोगों की ऑटो पे है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो ऑटो पे जब भी आप लोगों के हेडलैम्प होते हैं तो आप लोग कि ऑटोमेटिकली जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये तो भाई रात शाम होते ही ये जो आप लोगों के आगे वाले हेडलैम्प हैं ये ऑन हो जाते हैं। तो अभी फीचर क्या रहने वाला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। आप लोग क्या करते हो, अपनी कार को पार्किंग में पार्क कर देते हो, तो सबसे पहले पार्किंग की बात करूंगा। पार्किंग में आपने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया तो भाई अब क्या रहने वाला है, आप लोगों ने अब छोड़ दिया भाई अपना ये ऑटो पे, इस तरफ आपने जो नोब है भाई आपकी ऑटो पे आ गई है राइट। अब इसकी तो भाई आप लोगों की दिखाई दे रहा होगा, अब आपने ये ऑटो पे ले आया, अब आपने क्या करा इग्निशन कर दिया भाई बंद और आप चले गए भाई अपना काम करने कुछ इस तरीके से राइट। इस तरीके से भाई आप काम करने निकल गए। अब भाई आप कुछ देर बाद क्या करते हो, अब आप काम करके अपना आपने गाड़ी यहाँ से लॉक भी करके निकल गए भाई आप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कुछ टाइम के बाद आप वापस आओगे। अब आपको क्या है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, अब आपको अपनी कार विजिबल नहीं हो पा रही है, तो आप अनलॉक का बटन प्रेस करोगे इस तरीके से, और ऑटो पे क्योंकि आपने छोड़ के गए थे आप लोगों की कार के हेडलाइट यानी कि हेडलैम्प भी आप लोगों की गाड़ी के ऑन हो जाएंगे, और इस तरीके से आप सर्च कर लोगे भाई अपनी कार को कि आपकी कार आपने कहाँ पे पार्क की है। वंस अगेन मैं बताऊंगा, ये फीचर लिटरली मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक और बात जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूँ वो है भाई, जब भी आप अपनी गाड़ी को अपने घर के आसपास कहीं पार्क करते हो और आप अपने घर जाते हो और रास्ता नहीं दिखता या कुछ भी इस तरीके से है, तो भाई आप लोग क्या करते हो अपनी कार से जब आप लॉक करते हो अपनी गाड़ी को तो भी आप लोगों के हेडलैम्प ब्लिंक होते हैं। इसका जो आप लोगों का फीचर आने वाला है वो आप लोगों के MID में होता है जिसे आप सेट करते हो, उसके बाद ही आप लोगों के लॉक में भी आप लोगों के जो हेडलैम्प लेने वाले हैं वो आप लोगों के जले रहते हैं। टाइमिंग भी आप उसमें सेट कर सकते हो, कैसे सेट करोगे वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले भाई चैनल पे आप लोग नए आए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वंस अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें भाई, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कराएं भाई इस चैनल को, अपनी जो ये फैमिली है भाई उसको बढ़ाओ। और बलिनो लवर जो भी हैं भाई, लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी भाई अपने बलिनो वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी गाड़ी से भी वीडियो यदि आपको चाहिए तो भाई अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।